नमस्कार दोस्तों, केरला के बाद एक बार फिर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक गर्भवती गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाया गया, जिसके कारण उसके मुंह का क्या हाल हुआ ये देखिए। ये गाय 1 से 2 दिन में बच्चा देने वाली थी, इसके दर्द का अनुमान तो आप खुद लगा सकते हैं। मैं गुरदयाल सिंह, गांव डाढ़, तहसील झनूता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। ये देखो, आज हम बोलते हैं कि गौ रक्षा करो। गौ रक्षा क्या की जाए? ये मैंने एक गाय पाल रखी है, 1-2 दिन में ये बच्चा देने वाली है। अब ऐसे निर्दयी लोग हैं, ऐसे अत्याचारी लोग हैं जिन्होंने इसको, देखिए ये कैसी कंडीशन में, इसको जानवरों के लिए कोई घोड़ा बना के, कोई बम बना के इसको खिला दिया है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसके भी पास ये वीडियो जाए, आगे से आगे शेयर करे, ताकि ये गौ हत्या है, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारा पड़ोसी है, साथ में नंदलाल है नाम इसका, मिस्त्री का काम करता है, दीमान है ये, ठीक है। इसने जानबूझ के ये काम किया है और अभी घर से भाग गया है, और अभी घर वाले क्या बोलते हैं कि कर लो जो कुछ भी करना है। तो इसका मतलब इनको किसी भी उससे ना तो प्रधान से डर है, ना किसी पुलिस वाले से डर है, हैं? तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जो है जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये घटनाएं हमें दर्शाती हैं कि क्या लोगों के अंदर से मानवता खत्म होती जा रही है। जिस देश में गाय को पूजा जाता है, उस देश में गाय के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या दोषी पकड़ा जाएगा, क्या उसे सजा मिलेगी? अगर यही हरकत किसी इंसान के साथ हुई होती तो? एक बेजुबान जानवर जो हमसे अपना दर्द कह नहीं सकता, उसके साथ ऐसा व्यवहार उचित है? आखिर कब सरकार इन्हें इनके गुनाहों की सजा देगी? ए इंसान, कम से कम भगवान से तो डर, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जय राम जी की।